हेलो एवरीवन। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में अपन स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट एंट्री मॉड्यूल फर्स्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। उसके बारे में अपन प्रॉपरली जानेंगे कि स्मार्ट मनी जो होता है एंट्री मॉड्यूल फर्स्ट वो कैसे काम करता है। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ डाइग्राम्स को ड्रॉ करके दिखाऊंगा एंड डाइग्राम्स के माध्यम से आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट क्या होता है, यहाँ से अपना डाउन साइड में कुछ इस तरीके से आना स्टार्ट करता है, ठीक है। कभी भी मार्केट डाउन जब आएगा या अप जब जब जाएगा तो वो डायरेक्टली नहीं जाएगा, वो करेक्शन करने के लिए कहीं ना कहीं जाएगा। तो जब भी मार्केट डाउन आएगा तो उसका जो करेक्शन होगा वो अपसाइड में होगा। तो मार्केट क्या करता है, करेक्शन करने के लिए अपसाइड में जाता है, ठीक है। देन करेक्शन जैसे ही कंप्लीट होता है मार्केट का, तो मार्केट वापस क्या होता है, डाउन साइड में आना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। अगेन मार्केट का वही सिनेरियो रहता है कि मार्केट क्या करता है, करेक्शन करने के लिए वापस ऊपर जाता है, ठीक है। जैसे ही मार्केट का करेक्शन कंप्लीट होता है, मार्केट क्या करता है, सेम डायरेक्शन में जाना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। और एक टाइम बाद क्या होता है कि जब भी मार्केट आता है तो वो क्या करता है कि अपने रिसेंट वाला जो लो होता है, ठीक है, उसको टच करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि मार्केट ने क्या किया, जो रिसेंट वाला लो है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है कि डाउन जा रहा है, तो मार्केट का जो रिसेंट वाला लो है उसको मार्केट ने टच किया। और टच करते ही आपको दिख रहा होगा मार्केट ने एक कैंडल बनाई, यहाँ पे कैंडल ने ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है, ठीक है। जब भी आपका मार्केट रिसेंट वाला हाई लेगा, ठीक है, अगर मार्केट डाउन जा रहा है या अगर मार्केट अप साइड में जा रहा है, तो उस केस में आप कह सकते हैं कि जब भी आपका मार्केट रिसेंट वाला लो लेगा। तो यहां मार्केट ने क्या किया, रिसेंट वाला जो है हाई लिया है। तो जब भी आपका मार्केट रिसेंट वाला हाई लेगा और जो फर्स्ट कैंडल होगी, ठीक है, यानी रिसेंट वाले हाई के ऊपर जो फर्स्ट कैंडल होगी, वो कैंडल अगर डाउन में क्लोज होती यानी बिलो लाइन के नीचे क्लोज होती है, तो आप उस ट्रेड में डायरेक्ट एंटर कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको कोई कंफर्मेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ठीक है, आप डायरेक्टली इस ट्रेड के अंदर एंटर प्लान कर सकते हैं, ठीक है। और इसका जो प्लान करने का तरीका होगा उसमें क्या होगा कि आपको चीजें ध्यान रखनी है कि जब भी आप जो इसमें ट्रेड करेंगे, ठीक है, तो आप ध्यान रखना कि आपका यहाँ पे मार्केट या तो टच करे या कैंडल जो है नीचे क्लोज करे, किसके, फर्स्ट हाई की लाइन के नीचे, ठीक है। तो जो आपका ऐसे लोगा वो फर्स्ट हाई जो लगाया मार्केट ने, विक मारा, इससे 5 पिप ऊपर आपको एसएल रखना है, ठीक है। आपको इससे क्या, 5 पिप ऊपर एसएल रखना है अपना, कुछ इस तरीके से यहां पे आप एंट्री करेंगे, ठीक है, और यहां पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। यहां पे आप स्टॉप लॉस रखेंगे 5 पिप ऊपर, क्यों, क्योंकि नेक्स्ट जो कैंडल बनेगी वो इसका विक जो है ब्रेक कर सकती है, यानी कि विक क्लोज कर सकती है, लिक्विडिटी ले सकती है, तो उसके लिए 5 पिप जो है वो सफिशियंट होता है, ठीक है। देन उसके बाद क्या होगा, मार्केट डायरेक्शन में क्या करेगा, सेम डायरेक्शन में वापस डाउन की तरफ मार्केट जाएगा, ठीक है। और डाउन जाने के बाद आपको क्या करना है, जो प्रॉफिट टारगेट है यानी कि जो रीसेंट वाला लो पॉइंट है वहां तक आपको फर्स्ट प्रॉफिट बुक करना है इसका, ठीक है। जो भी आपका रीसेंट लो होगा वो आपका फर्स्ट प्रॉफिट रहेगा, आफ्टर दैट आप ब्रेक इवन स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, ये चीजें आपको कुछ चीजों का जो है पहले से प्रिपेयर होके रहना पड़ेगा कि कहाँ पे मेरे को एंटर करना है, कहाँ पे मेरे को एग्जिट करना है, कहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। अगर आप इस तरीके से ट्रेडिंग करेंगे तो आपकी ट्रेडिंग भी काफी इजी होगी और सारे कॉन्सेप्ट आपको प्रॉपरली तरीके से समझ में भी आएंगे, ठीक है। अब आपके सामने एक डायग्राम दिख रहा होगा, इसमें दिख रहा होगा कि मार्केट क्या रीसेंट वाले लो पॉइंट को टच करता है, जिसको अपन आईडीएम लिख रखे हैं, ठीक है। आईडीएम को टच करने के बाद मार्केट क्या करता है, ऊपर जाके कैंडल क्लोज कर देता है, लेकिन अपन क्या करेंगे, यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे अपन शिफ्ट हो जाएंगे जब एंटर करेंगे, ठीक है। यानी कि जैसे आप 15 मिनट पे एनालिसिस कर सकते हैं, तो आप 1 मिनट या 3 मिनट पे एंटर ले सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आपने ये देखा तो यहां से आप एंट्री करेंगे और जो फर्स्ट हाई है वहां तक आपका टीपी रहेगा, आफ्टर दैट आप ब्रेक इवन स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप बाई साइड में एंट्री करते हैं तो आपको किस तरीके से एंट्री करनी होगी यहाँ पे, ठीक है।
अगर इसी तरह आप सेल साइड पे एंट्री करते हैं तो उसका क्या पैटर्न होगा वो भी आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पर। तो इसी पैटर्न से क्या है कि आपको इसमें एंट्री और एग्जिट प्लान करना है, इसको बोलते हैं लिक्विडिटी। ठीक है, ये लिक्विडिटी एंट्री फर्स्ट है जो आईडीएम के ऊपर ली जाती है। ठीक है, इसी तरह के और बेहतरीन कॉन्सेप्ट अगर आप जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम के लिंक दिए हुए, एक है चैट वाला जिसपे आप एक दूसरे से कन्वर्सेशन कर सकते हैं हमारी टीम मेंबर्स के साथ में, हमारे जो जुड़े हुए लोग हैं उनसे, एक है जिसमें आपको सिर्फ हमारी तरफ से मैसेज आएगा तो आप दोनों को एक साथ ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का एंट्री मॉडल जो फर्स्ट है वो प्रॉपर तरीके से क्लियर हुआ होगा और समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा अपन चार्ट पे चलते हैं ताकि जो चीजें वो आप इजी हो जाए एंड आपको सारी चीजें समझ में आने लग जाए, राइट। तो अभी अपन यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या हुआ कि देखिए यहाँ पे ये मेरा करंटली एंट्री चल रहा है यहाँ पे, तो लाइव मार्केट में मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से मार्केट कुछ इस तरीके से जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो रिसेंट वाला लो है यहाँ पे, ये क्या करता है मार्केट, यहाँ पे अपना जो है विग मारता है। तो सबसे नीचे वाला ये विग काउंट करो या आप किसी से भी आप ले सकते हैं। तो सपोज करिए आपने इस विग को कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ड्रॉ करने के बाद मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट कैंडल जो है अगर उस पर आपका मार्केट विक मारता है तो आपको यहाँ से डायरेक्ट एंट्री लेनी है। तो अपन यहाँ से डायरेक्ट एक बाई साइड की एंट्री लेते हैं। आपका एसएल 5 पिप रहेगा, तो यहाँ पे अपना 4.3 है तो आप 5 रख लीजिए। ठीक है, जो कि ज़्यादा बड़ा नहीं है। उसके बाद आपका जो फर्स्ट आई है वो आपका टीपी होगा, तो आपका ये टीपी हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर दैट आप ब्रेक इवन स्टार्ट कर दीजिए आप। ठीक है, अब यहाँ पे भी एक कैंडल क्लोज हुई है बट ये अलग तरीके की एंट्री हो जाएगी फिर, तो आप इसका ब्रेक इवन यूज कर सकते हैं। ठीक है, ब्रेक इवन से आपको काफी हेल्प मिलेगी। ठीक है, आपकी अगर ये एंट्री यहां तक जाती है तो वहां तक भी आप प्रॉफिट ले सकते हैं। ठीक है, ब्रेक इवन आपको करना पड़ेगा। ब्रेक इवन इन कैसे, कि जैसे यहाँ पे आपने एंटर प्लॉट किया, ठीक है, आपका एंट्री यहाँ पे प्लॉट कर दिया आपने, अब मार्केट ऊपर जाया जा रहा है तो आपका एसएल आप यहाँ पे ट्रेल कर दीजिए इस तरीके से कुछ, कि मार्केट जब भी इसको टच करेगा तो मेरा एसएल हिट हो जाएगा, लेकिन इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक का जो प्रॉफिट है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, ये आपका आईडीएम हो गया। ठीक है, और आईडीएम के जस्ट नीचे आपने यहीं से एंट्री ले ली, क्योंकि यहाँ पे कैंडल क्या हुई, क्लोज नहीं हुई। क्लोज होती तो उसका एक अलग सिनेरियो होता है। ठीक है, सपोज करिए आपका मार्केट बड़े टाइम फ्रेम पे यहाँ पे है, उसके बीच में यहाँ पे कोई भी लिक्विडिटी वगैरह नहीं है, मार्केट ने जस्ट यहाँ पे टच किया, तो आप क्या करेंगे, एक ये एंट्री जो है यहाँ से भी कुछ इस तरीके से प्लान कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको क्या करना, 5 पिप देखना है तो 5 पिप देख लीजिए कितना हो गया, अप्रोक्सीमेटली इतना हो गया। उसके बाद आप ये एंट्री जो है ब्रेक इवन करते हुए आगे बढ़ सकते हैं, और ये फर्स्ट हाई आपका टीपी कंफर्म हो गया जो कि 11 पिप्स है। उसके बाद आप चाहें जितना आप ब्रेक इवन कर सकते हैं वो सारा ब्रेक इवन आप पे डिपेंड करेगा। ठीक है, कि आपको ब्रेक इवन कितना करना है और कैसे करना है। ठीक है, मैं आपको कुछ एंट्री जोर दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मार्केट आया। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, आईडीएम जो पॉइंट था वहां से मार्केट ने एक सिनेरियो ये ऐसा बनाया कि यहाँ पे कैंडल क्लोज नहीं की। तो जैसे ही कैंडल क्लोज मार्केट ने नहीं की सेल साइड में, आप यहीं से एंट्री प्लॉट करिए। ठीक है, और आपका जो एसएल रहेगा सेम एज इट इज, आप एसएल 5 पिप का रखिए। ठीक है, 5 पिप नॉर्मल है, ज्यादा नहीं है। ठीक है, और आपका फर्स्ट आई आपका टीपी होगा, तो आपका जो फर्स्ट लो, सॉरी फर्स्ट लो ये वाला पॉइंट हो गया, यहां तक आपका टीपी हो गया, इसके बाद आप ब्रेक इवन कर सकते हैं। ये ज्यादातर टाइम जो स्ट्रेटेजी है प्रॉफिटेबल रहेगी और आईडीएम के ऊपर रहेगी, लिक्विडिटी एंट्री स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है, अब देखिए अपन क्या करते हैं, कुछ और एंट्रीज यहाँ पर फाइंड आउट करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आपका आईडीएम कंफर्म हो गया लिक्विडिटी के तौर पे, तो यहाँ पे आईडीएम कंफर्म हुआ तो आपको यहाँ पे एंट्री प्लॉट कर देनी है। फर्स्ट आपका जो है लो पॉइंट, ये आपका टीपी कंफर्म होगा, एक लो ये भी आप इसको भी मान सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये देखिए यहाँ पे ये क्या हुआ, इक्वल लो बनाया इसने, इक्वल लो बना के यहाँ पे इसने फर्स्ट हाई तक एंट्री दी नहीं, यहीं से चलेगा, तो आप इसमें ब्रेक इवन करेंगे तो भी आप प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको क्या करना होगा, सारी एंट्रीज वगैरह लेनी होगी, अच्छे से एंट्री प्लान करना होगा। ठीक है,
अगर इस कॉन्सेप्ट को आप फॉलो करते तो मैं आप सभी लोगों को ये अश्योर करता हूँ कि जो आने वाले वीडियोज है उनमें इससे भी काफी बेहतरीन तरीके से एंट्री मॉड्यूल वगैरह रहेंगे जिसपे आप ट्रेड करके अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। तो आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।